हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 49 में। और अपडेट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा एनिमे सेनपाई, शुभम, नेना, क्रिश और अनिमेश को, जिन्होंने हमारे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर और बाकी प्रीमियम कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन किया। आप सभी जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पॉपुलर नॉवेल्स को एज हिंदी ऑडियो सीरीज लाने वाले हैं। नाउ सबसे पहले चलते हैं मार्वल के अपडेट्स की तरफ। तो भैया सबसे पहली न्यूज़ ही सबसे बवाल है। नर्ड एंकर के साथ इंटरव्यू में जॉनथन मेजर्स यानी कि अपने कैंग भैया से जब पूछा गया कि इन फ्यूचर आप किस कैरेक्टर के साथ ऑन स्क्रीन लड़ना प्रीफर करोगे, तो जॉनथन ने बताया कि उन्हें थॉर का कैरेक्टर काफ़ी पसंद है और चूंकि कैंग भी एक बड़ा विलन बनने वाला है तो वो चाहते हैं कि कैंग और थॉर की वन ऑन वन फाइट होनी चाहिए। अब हो सकता है कि गाइस कि जॉनथन की ये दिली ख्वाहिश एक्चुअली में हमें मूवी में देखने को भी मिल जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि थॉर और कैंग की हेड ऑन वन फाइट कितनी औसम होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज थोड़ी सैड न्यूज है। जेरेमी रेनर यानी कि हमारे हॉकआई के साथ इस हफ्ते एक एक्सीडेंट हो गया। जेरेमी गिरे बर्फ को साफ कर रहे थे अपने स्नो मोवर से तो वो गाड़ी कैसे तो पलट गई और जब जेरेमी नीचे गिरे तो वो गाड़ी उनके पैर पर से होते हुए गुजर गया। उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, बट थोड़ी ही देर में न्यूज भी आ गई कि जेरेमी क्रिटिकल तो है बट स्टेबल है। वहीं उसके बाद जेरेमी ने खुद अपडेट भी दिया और सबको थैंक्स भी कहा और हम भी चाहते हैं कि गेट वेल सून अवेंजर। नेक्स्ट अपडेट है कि डेडपूल 3 का टाइटल शायद रिवील हो चुका है। तो अपने ही एक वीडियो में ह्यू जैकमैन ने कह दिया कि वो पिछले एक साल से रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर वुल्वरीन एंड डेडपूल पे वर्क कर रहे हैं। अब उन्होंने मूवी को डेडपूल 3 नहीं कहा, अब इस पे रेनॉल्ड्स ने भी कमेंट कर दिया। वहीं उस कमेंट की रिप्लाई में ह्यू ने भी कहा है कि ये टाइटल कैची है ना। तो लग तो रहा है गाइस कि मूवी का नाम डेडपूल 3 नहीं होने वाला बल्कि वुल्वरीन एंड डेडपूल या डेडपूल एंड वुल्वरीन होने वाला है। वैसे आप सबको कौन सा टाइटल पसंद आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं। अब GQ के शो पे बटिस्टा ने फाइनली कह दिया कि 9 सालों के बाद अब वो ड्रैक्स के कैरेक्टर को अलविदा कहने वाले हैं, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बटिस्टा की आखिरी MCU मूवी होगी। अब इस पे उन्होंने कहा कि वो इस रोल पे खुश तो हैं बट अब वो कुछ ड्रामेटिक पार्ट्स प्ले करना चाहते हैं इसलिए वो इस कैरेक्टर को छोड़ रहे हैं। यानी कि गाइस अब तो इस बात पे ठप्पा लग जाता है कि वॉल्यूम 3 में ड्रैक्स मरने वाला है। अब MCU लोकी की मार्केटिंग तेज कर दिया है। डिज्नी पार्क्स में मिलने वाले मर्चेंडाइज की एक पिक शेयर की गई है जहां एक आर्टवर्क दिख रहा है जहां सारे लोकी के एनिमेटेड वर्जन्स बने हुए हैं, जहां अपना प्राइम लोकी के साथ साथ बाकी सभी वेरिएंट भी नजर आ रहे हैं और इसमें मिस मिनट भी है। तो भैया हाइप अप हो जाओ क्योंकि सच कहूं तो लोकी सीरीज से उम्मीदें हैं। फर्स्ट सीजन ऑलमोस्ट फ्लॉलेस था। वहीं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया के नए ट्रेलर के डेट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो इस मूवी का नया ट्रेलर आएगा 9 जनवरी को ESPN चैनल पे। अब MCU पहले भी ESPN के साथ कोलैबोरेट कर चुका है तो लेट्स सी कि इस ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कैंग कितनी देर दिखता है। अगली अपडेट है कि दी फंटेस्टिक 4 की कास्टिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि एक्ट्रेस को सीक आउट किया जा रहा है कई बड़े रोल्स के लिए और इन रोल्स में फंटेस्टिक 4 की टीम के रोल्स भी शामिल हैं। तो मूवी आने में तो अभी 2 साल हैं तो लेट्स सी कि अगले 3 से 4 महीने जाते जाते हमें कास्टिंग क्लियर कर ही दी जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इन्हें जॉन क्रासिंस्की वाले ऑप्शन पे दोबारा सोचना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलो बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स की। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया है, वो भी उस इनिशियल फेज से जब मूवी की स्टोरी कुछ और होने वाली थी और इनिशियली वांडा इस मूवी की विलन नहीं होने वाली थी बल्कि वो स्ट्रेंज की मदद करने वाली थी। इस आर्ट में हम स्ट्रेंज, वोंग और वांडा को एक रेतीले प्लेनेट पे देख सकते हैं जहां स्ट्रेंज के वेरिएंट्स की लाशें भरी हुई हैं। ये सब ज़ॉम्बीज की तरह बन चुके हैं और इसी आर्ट में वोंग के पीछे वांडा इस तरह खड़ी है जैसे कि वो चारों तरफ नजर रखे हुए हो। अब इन ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के कुछ आर्ट्स भी रिलीज किए गए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वहीं दूसरा आर्टवर्क शेयर किया फिल लैंगॉन ने जो कि एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हैं। अब बताया कि किस तरह नो वे होम में वल्चर भी होने वाला था बट उस रोल को फिर काट दिया गया। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हम डॉक ऑक, सैंडमैन सभी को गैरेज में छिपा हुआ देख सकते हैं। वहीं फैंस ने नोटिस कर लिया कि जो बंदा राइट में है वो फर वाला जैकेट पहन रखा है और फिर आर्टिस्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि वो एड्रियन टूम्स यानी कि अपना वल्चर ही है। अब ट्विटर पे डैन स्लॉट जो कि शी
हल्क के राइटर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शी हल्क शो पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट जो लोग उसे कह रहे हैं कि ये शो कॉमिक एक्यूरेट नहीं थी, तो मैंने शी हल्क की कॉमिक्स लिखी हैं एंड मैं कह सकता हूं कि शो एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। यानी कि भैया राइटर साहब का कहना है कि शी हल्क शो एटलीस्ट कॉमिक एक्यूरेट तो है, तो आप इस शो को क्रिटिसाइज करने के लिए कॉमिक एक्यूरेसी वाली आर्ग्यूमेंट ना देना। कोई बात नहीं डैन भैया, बिना कॉमिक बुक एक्यूरेसी वाले पॉइंट के भी 10 पॉइंट्स लोग गिना देंगे कि शो क्यों बकवास थी। वहीं डैन स्लॉट से जब लोगों ने पूछा कि ये शी हल्क के ट्वर्किंग वाले सीन पे आपका क्या मानना है, तो उन्होंने टोनी के प्राइवेट जेट वाला सीन पोस्ट कर दिया जहां टोनी के जेट पे एक स्ट्रिपर पोल था और लड़कियां डांस करने लगती हैं। मतलब कि भाई डैन स्लॉट साहब, आपको शी हल्क और स्ट्रिपर में अंतर ही नहीं छोड़ना है ना, आपको उसे स्ट्रिपर बनाना है, जो बनाना है बनाओ, हमें क्या, लोग तो वैसे भी नहीं देखने वाले। वहीं अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से एक नया इमेज आया है जहां माइल्स ग्वेन को अपने पेरेंट्स से मिलवा रहा है एक छत के ऊपर, तो हो सकता है गाइस कि माइल्स और ग्वेन के बीच थोड़ी बहुत केमिस्ट्री देखने को मिल जाए मूवी में। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं कुछ डीसी के अपडेट्स पे। तो ट्विटर पे एक फैन ने पूछा कि जेम्स भैया, ये जो एज़रा को लेके न्यूज़ आ रहे हैं कि वो रीकास्ट नहीं होगा, क्या वो सच है? जेम्स गन ने कह दिया कि एज़रा का क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, बट हाँ हमारा DCU का स्लेट 8 से 10 साल का है और उसके कुछ प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट काफी नजदीक हैं। यानी कि गाइस DCU के स्लेट के कुछ प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट जनवरी में ही हो सकते हैं, और जो एज़रा मिलर वाली न्यूज आप सबने सुन रखी है उसे भी कन्फर्म मत मानो, कॉज जेम्स गन खुद एज़रा पे बात नहीं करना चाहते। अब कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर निकली थी कि ड्वेन जॉनसन ने डेविड ज़ेसलव को ब्लैक एडम और सुपरमैन को लेके एक मल्टी ईयर प्लान शेयर किया था जो कि शायद बाकी लाइन ऑफ इवेंट्स में फिट नहीं बैठ रहा था, ऐसा डीसी के कुछ एसेक्स का मानना है। वैसे अब ऐसा लगने लगा है कि ड्वेन एफर्ट्स लगा रहा था, नो डाउट, एंड उसके लिए उन्हें पूरी एप्रिसिएशन मिलने चाहिए, बट बंदा इतना ज्यादा सेंटर्ड क्यों था सिर्फ ब्लैक एडम को लेके? वैसे इस पे मैं आप सबकी राय जरूर जानना चाहूंगा। नेक्स्ट अपडेट है कि वैरायटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक गैल गैडोट की वंडर वुमन 3 DCU के नए स्लेट का पार्ट नहीं होने वाला। वहीं नए स्लेट वाले DCU में गैल डॉट होगी या नहीं इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे मैं तो ये जानना चाहूंगा कि वंडर वुमन 3 पे काम चल भी क्यों रहा है, इसके स्क्रिप्टिंग स्टेज पे तो इतने अड़चने आ गई थी और अब जब सब रीबूट हो ही रहा है तो वंडर वुमन 3 झूठ मूठ का बना के फायदा ही क्या है, क्या ही कहा जाए यार डीसी को। अब एक इंटरव्यू में दी फ्लैश मूवी के डायरेक्टर एंडी मशेट्टी ने बताया कि उनकी मूवी में जस्टिस लीग भी फीचर होने वाला है, बट ये जस्टिस लीग उतना पावरफुल नहीं होगा जितना लोगों ने देख रखा है। उसके बाद एंडी ने उस वाले जस्टिस लीग के मेंबर्स के नाम भी बताए, जैसे माइकल कीटन का बैटमैन, साशा काले की सुपरगर्ल और दो फ्लैश के वेरिएंट्स भी होंगे। यानी कि भैया फुल मल्टीवर्स बाजी। अब एक फैन ने चिंता जताई कि जिस तरह पहले स्टूडियो इंटरफेयर करके मूवीज को बिगाड़ देती थी, क्या DCU के साथ भी वैसा ही होगा? इस पे जेम्स गन ने कहा कि मुन्ना हमारी हालत जैक स्नाइडर जैसी नहीं है, यहाँ स्टूडियो इंटरफेयर करेगा ही नहीं क्योंकि हम ही तो स्टूडियो है। यानी कि गाइस जेम्स गन ने जाहिर कर दिया है कि देखो बबुआ ऐसा है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकालने वाला और हम यहाँ के फूड चेन के सबसे टॉप प्रीडेटर हैं। यानी ये वार्नर ब्रोस का सारा टंटा जैक स्नाइडर के साथ ही करना था। वहीं एक्ट्रेस लेस्ली ग्रेस ने अपनी कैंसल हो चुकी बैड गर्ल मूवी से उनके कॉस्ट्यूम का एक क्लियर लुक शेयर किया। यार कभी कभी इन्हें देख के तरस आता है, एक खत्म हो चुके सपने के आखिरी यादों को शेयर कर रही है बैठ के, क्या ही कहा जाए। वैसे ये मूवी आती तो भी पिट ही जाती। साथ ही ब्लू बीटल मूवी की एक टेस्ट स्क्रीनिंग करी गई और ऐसी खबरें आ रही है कि टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स वाकई अच्छे आए हैं। अच्छी बात है भाई, लेट्स होप कि मूवी सच में अच्छी भी हो। वहीं फ्लैश सीजन 9 के लिए ओलिवर क्वीन यानी कि अपना ग्रीन एरो वापस आने वाला है, और हाँ ये सीजन फाइनल सीजन होने वाला है दी फ्लैश का। तो डीसी के अपडेट्स भी हमने देख लिए, तो अब कुछ हॉलीवुड अपडेट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अवतार द वे ऑफ वाटर ने क्रॉस कर दिया है 1.5 बिलियन का मार्क और अब ये ऑल टाइम कलेक्शन के लिस्ट में 9th रैंक पर आ चुका है। साथ ही इविल डेड राइज का एक रेड बैंड ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है एंड मैं तो इसे हॉल में देखने जरूर जाऊंगा। वैसे भी मैंने आज तक कोई हॉरर मूवी हॉल में नहीं देखी, so this time I am up for Evil Dead। वहीं Netflix की 1899 सीरीज अपने पहले सीजन के बाद ही कैंसल कर दी गई है। रीजन तो वो बता नहीं रहे, बट रीजन हम सब जानते हैं और वो है इसके फर्स्ट सीजन की पेसिंग, जो कि कई फैंस को शुरुआत के ही कुछ एपिसोड्स ने बोर कर दी थी। अब बारी हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो काफी समय बाद एक ज़ॉम्बी एनिमे आने वाली है, ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड एनिमे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये इस जुलाई प्रीमियर होगी। वहीं इसी वीकेंड से माय हीरो अकेडमी
मैनिया सीजन 6 का सेकंड कोर भी स्टार्ट होने वाला है। भाई साहब, हमारा गॉब्लिन स्लेयर वापिस आ चुका है अपने सीजन 2 के साथ। अब बस ये सेकंड सीजन को भी फर्स्ट की ही तरह डार्क रखें तो मजा ही आ जाएगा। वहीं बुंगो स्ट्रे डॉग के सीजन 4 से एक नया की विजुअल रिलीज किया गया है और वोल्टेस वी लिगेसी के लाइव एक्शन एडाप्टेशन का एक 5 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है। साथ ही दी वे ऑफ दी हाउस हस्बैंड का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। तो गाइज, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।